कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कोरोना वायरस की वैक्सीन आखिर कब आएगी। आज अपन वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई साहब, वैक्सीन कब आएगी इस टॉपिक पे अपन आते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि है रशिया की वैक्सीन स्पुटनिक वी को लेकर। इन दिनों पूरी दुनिया की आंखें गड़ी हुई है इस वैक्सीन को लेकर, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की और उत्साह भी काफी क्रिएट हो चुका है। 11 अगस्त को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया था कि दुनिया की सबसे पहली इफेक्टिव कोरोना वायरस वैक्सीन हम लोगों ने बना दी है, बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। लेकिन उन दिनों पूरी दुनिया ने कहा कि क्या नॉनसेंस बात है, WHO, USFDA से अभी तक कुछ हुआ नहीं है और इन लोगों ने वैक्सीन भी बना दी। तो अगस्त के महीने में ये पोलर बियर सोया हुआ था, लेकिन सितंबर के पहले दिन से ही काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स काफी तेजी से एक के पीछे एक आ रहे, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। अभी अभी 2 घंटे पहले न्यूज निकल कर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF, जिसके CEO किरिल द्विवेदी दिमित्री साहब का कहना है, इस सिलसिले में इंडिया की अथॉरिटीज के साथ और इंडिया की वैक्सीन बल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ बात चल रही है। और इस बात को सपोर्ट करते हुए लाइव मिंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया का नीति आयोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके चीफ डॉक्टर KV Paul, इन्होंने कहा है कि यस, ऐसी बातें हो रही है, इस बात को वो कंफर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरी गट फीलिंग है, इस महीने ना सही अगले महीने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे स्पुटनिक वी के। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ब्राजील और फिलीपींस में भी क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं। स्पुटनिक वी ये एक एडिनो वायरस वेक्टर कैटेगरी की वैक्सीन है और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अब तक किए गए क्लिनिकल ट्रायल का डेटा बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। बॉस, मुझे प्रोजेक्ट बिल्कुल सही दिशा में जाते हुए दिख रहा है। और अगर आपको भी इसके रिसर्च के बारे में जानना है ना, तो द लैंसेट नाम से एक मेडिकल जर्नल है जिसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत ज्यादा तगड़ी है। कोई चीज अगर उस पर पब्लिश हो जाती है ना बॉस, तो उसे रिजिड समझा जाता है। अगर आपको भी ये डेटा पढ़ना है ना, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे PDF दी गई है जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है और आराम से इसका क्लिनिकल डेटा पढ़ सकता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और अगर आपको पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ज्यादा घंटाला आता है, तो एक सिंपल सी वीडियो बना रखी है मैंने, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, एक बार जाके डेफिनेटली देख लेना। रशिया आने वाले नवंबर और दिसंबर में इस वैक्सीन का मास इनोकुलेशन करने जा रही अपनी जनता के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये इंडिया के साथ नहीं खेल रहे, वो लोग अपने साथ भी खेल रहे हैं। बस काफी गुणगान गाया स्पुटनिक वी के बारे में। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, वैक्सीन आखिर कब आएगी। यार, एक फ्लू जैसी बीमारी पे वैक्सीन बनाने में साइंटिस्ट आखिर इतना डर क्यों रहे। बस सिंपल सी वैक्सीन बनानी है, मार्केट में बेचनी है, सबको चुबानी है और सबको शक्तिमान बनाना है। ऐसा नहीं होता बॉस। अगर किसी बीमारी पे आपको वैक्सीन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको उस बीमारी के जर्म्स को साइड में करना पड़ता है, उनको आइसोलेट करके उन्हें यूज करना पड़ता है एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यह कितना रिस्की काम है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस पे अगर आपको वैक्सीन चाहिए, तो आपको सबसे पहले कोरोना वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले वायरस पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, यानी कि वायरस हम जिंदा यूज कर सकते हैं क्या एक वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर हमें वायरस के टुकड़े करने पड़ेंगे और उसके फ्रैगमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, और ये फ्रैगमेंट्स हमें बाद में इंजेक्ट करने पड़ते हैं पेशेंट के अंदर, एक वॉलंटियर के अंदर, और देखना पड़ता है कि उसका क्या असर पड़ रहा है उस वॉलंटियर के ऊपर। और वो असर देखने के लिए भी हमें कई सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। साइंस बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, बट इस प्रोसेस में एथिकली कुछ नहीं किया जा सकता। मान लो आपका पूरा शरीर एक हाईवे है और एक वायरस यानी कि एक वैक्सीन वो एक हाई स्पीड कार की तरह होती है, तो इस कार को अगर हम सही दिशा देते हैं तो कार बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगी और हाईवे के उस तरफ अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। लेकिन अगर कार की इंजन में कुछ बिगाड़ हो जाता है ना बॉस, तो एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियां भी अफेक्ट हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना रिस्की काम है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारा अभ्यास चाहिए होता है। एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए आखिर कितना टाइम लग सकता है, कितना कम से कम टाइम लग सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसको लेके आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ। अब तक सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाली वैक्सीन मम्प्स की है, जिसने सिर्फ 4 साल लिए है। एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए 4 साल लग गए हैं और अब तक की सबसे
लॉन्गेस्ट वैक्सीन कौन सी है जो अब तक क्रिएट ही नहीं हुई है, जो अब भी क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसेस में, दैट इज एड्स वैक्सीन। और कहा जा रहा है कि एचआईवी के ऊपर वैक्सीन 2030 तक बनेगी, यानी कि उसकी प्रोसेस को तकरीबन 50 साल लग रहे हैं अगर आप कैलकुलेट करते हो लमसम तो। और रही बात कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन इस साल में आ भी सकती है। अब वो एथिकल है या नहीं, भले ही वो अप्रूवल से आई है, बट टाइम कंजम्पशन के लॉजिक से देखा जाए तो वो एथिकल है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे आपके थॉट्स जानने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताइए। और आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो वो भी नीचे मेंशन कीजिए। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को और थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश कीजिए। मुझे जल्द से जल्द चैनल अप्रूव कराना है WHO से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय और हाई फाइव।